हेलो व्यूअर्स, टू द पॉइंट प्रोग्राम का आज का एपिसोड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुण्यतिथि विशेष है। चलिए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। आज देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए अब जानते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, विचारक, बहुभाषाविद और विद्वान थे। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे और उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने वंचितों, दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वो हिंदू महार जाति में जन्मे थे जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और 1956 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है जो बी आर अम्बेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अब नजर डालते हैं उनके योगदान पर। तो उन्हें 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1926 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाड़ या महाराष्ट्र ने सभी समुदायों को तालाबों का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया। गौरतलब है कि इससे पहले महाड़ में अछूतों को तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों, सांप्रदायिक पंचायत हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। 1936 में वो एक विधायक के रूप में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने का कार्य किया। 1947 में उन्हें नए संविधान के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने 1951 में हिंदू समाज में सुधार के मकसद से हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। चलिए अब नजर डालते हैं संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। उनके अन्य पत्रिकाओं में शामिल है बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929 और जनता 1930। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अन्य संगठनों में शामिल है स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942। उनकी लिखी पुस्तकों में शामिल है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल्स 1948, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 और बुद्ध एंड हिज थंब। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। दूसरा कथन, वो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। और तीसरा कथन,
उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। साथ ही बताइए कि हमारी ये विशेष प्रस्तुति आपको कैसी लगी। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।